हे गाइस, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, गाइस वीवो के डिवाइसेस के लिए एंड्रॉइड 13 एंड फंडामेंटल 13 का जो बीटा अपडेट है उसको गाइस यहां पर रिलीज कर दिया गया है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल में एंड्रॉइड 13 एंड फंडामेंटल 13 का जो बीटा अपडेट है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि गाइस काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था गाइस यहां पर जो अपडेट है उनके डिवाइस में दिखने को नहीं मिला है, तो मैनुअली जो अपडेट है उसको कैसे यहां पर अपडेट कर सकते हैं, यानी कि मैनुअली जो अपडेट है उसको अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो अगर आपको अपडेट नहीं भी मिला है तब भी आप अपने मोबाइल में एंड्रॉइड 13 के बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो हो सके तो वीडियो को इन तक देखते रहेगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल में जो अपडेट है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले तो गाइस आप लोग बताइए, तो ये जो अपडेट है ये अभी आप सिर्फ Vivo X80 Pro डिवाइस जिसके लिए डेवलपर प्रीव्यू यानी कि जिसके लिए बीटा अपडेट रिलीज किया गया उसी में सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास Vivo X80 Pro डिवाइस है तभी आप Android 13 एंड फंडामेंटल 13 का जो अपडेट है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा डिवाइस है जैसे कि Vivo V सीरीज हो गया, Y सीरीज हो गया या फिर X सीरीज के भी जो पुराने डिवाइस है अगर आप चाहोगे उसमें करना, तो उसमें आपका Android 13 एंड फंडामेंटल 13 का जो अपडेट है राइट नाउ नहीं डाउनलोड हो पाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। पहला तो प्रोसीजर आपको पता ही है, काफी सिंपल है, ऑटोमेटिक जो अपडेट है अगर आपको मिल चुका है सिस्टम सेटिंग में तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है मैनुअली, अगर आपको अपडेट नहीं भी मिलता है तब भी आप कैसे अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए गाइस आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीवो का, यहाँ पर डेवलपर का जो यहाँ पर देख सकते हैं developer.vivo.com, उस वेबसाइट का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक कीजिए। ऑफिशियल वीवो का यहाँ पर लिंक है यानी कि वीवो का वेबसाइट है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का जो डेवलपर प्रीव्यू प्रोग्राम जो चल रहा है उसका यहाँ पर पेज आपको शो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर सिंपली ओपन करना है, सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है कैसे इंस्टॉल करना है, बट मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे जाना है, यहां पर जो डाउनलोड लिंक है, अब यहां पर दो डिवाइस के लिए दिया है Vivo X80 और X80 Pro, तो आपके पास दोनों डिवाइस है उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सिंपली उस पे आपको लिंक पे क्लिक करना है, वहां से जो फाइल दिया जाएगा Android 13 का उसको वहां पर डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद यहां पर जैसे आपने Android 13 का जो अपडेट का फाइल है वो डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल के सिस्टम सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद ऊपर डॉट में यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करना है, लोकल अपग्रेड पे जाना है और वहां पर आपको यहाँ पर जो अपडेट है वो दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर देख सकते हैं साइड स्क्रीन पे भी मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाते रहूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाओ कि आपको कैसे करना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको फाइल डाउनलोड करना है, उसके बाद अपने सिस्टम सेटिंग में जाके लोकल अपग्रेड को ओपन करना है और वहां पर आपको अपडेट दिखने को मिल जाएगा, सिंपली आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जी हाँ गाइस, बस इतना ही काम आपको करना है। इसके करने के बाद आपका जो मोबाइल है उसमें Android 13 फंडामेंटल 13 इंस्टॉल हो जाएगा। आप आराम से बैठ के Android 13 को यूज़ करो, जितने भी फीचर हैं उनको एक्सप्लोर करो। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर Android 13 अभी आपको पता है बीटा अपडेट है तो हो सकता है कुछ छोटे मोटे या बड़े भी बग्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है, डेवलपर प्रीव्यू है तो ऐसे भी थोड़े मोटे बग्स होंगे। तो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप रोल बैक भी हो सकते हैं एंड्रॉइड 12 पे, तो उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पर उसके जो नीचे लिंक है वो भी दिया गया कि आप लोग अगर आपके मोबाइल में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद तो आप लोग उस पर रोल बैक हो सकते हैं, यानी कि एंड्रॉइड 12 को फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह आप लोग अपने मोबाइल में, चाहे आपके पास Vivo X80 Pro हो या X80 हो, आप अपने मोबाइल में एंड्रॉइड 13 एंड फंडामेंटल 13 के अपडेट को मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि गाइस हमारे चैनल पर एंड्रॉइड 13 एंड फंडामेंटल 13 के रिगार्डिंग काफी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली है, जैसे कि एंड्रॉइड 13 के सारे फीचर्स के रिगार्डिंग वीडियो, एंड्रॉइड 13 को और भी डिवाइस पर कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन सभी इंटरेस्टिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।